वर्षा लिसन, लीव मी अलोन। वर्षा तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मानव, तेरी पार्टी में विक्रम और वर्षा की एंट्री एक साथ। वर्षा मेरी बात तो समझ नहीं आता। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे बॉस, लगता है तेरी और वर्षा की लव स्टोरी को खतरा है। मुझे खतरा वो भी इस विक्रम से। मेरा नौकर इससे ज्यादा क्लासी दिखता है। किसी को अपनी पार्टी में बुलाकर उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए मानव। शट अप यार, तू उसकी मम्मी है क्या? अरे यार, मेरी पार्टी में मेरे हाथ में ड्रिंक नहीं। अरे वेटर, मेरे फ्रेश लाइम सोडा का क्या हुआ? आधा घंटा हो गया यार। आप रुको, मैं बना देती हूँ तुम्हारा फ्रेश लाइम सोडा। ओ रियली, सो स्वीट माय लव। और हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू एज वेल। थैंक यू स्वीटी। डैड का कॉल है लंदन से। एक्सक्यूज मी गाइस। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ बाबा, बता दूंगा मैं, आज ही बता दूंगा। ओके, तुम्हारी कसम, लव यू टू। अब वन फ्रेश लाइम सोडा प्लीज। और हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये मानव वर्षा के लायक नहीं है, धोखेबाज है। क्यों ब्रो, तूने क्या ये आज के पेपर में पढ़ा है? अब तुम्हारा फ्रेश लाइम सोडा। थैंक यू। एक सिप। मेरे हाथ का? नो थैंक्स। ओवरडोज का मामला लगता है, सबकी तलाशी लो। कांच की शीशी मिली है। ये मेरा नहीं है इंस्पेक्टर। ये मेरा नहीं है। ये मेरा नहीं है। रेस्टर,
गुड नाइट केडी। गुड नाइट मिसेस बिलिमोरिया। वैसे आप इतना सज धज के कहाँ जा रही है? वैलेंटाइंस डे है। कौन है? मेरा हस्बैंड सोली का साथ। एक्सक्यूज मी। हेलो केडी पाठक। मिसेस दीक्षित काम डाउन। मुझे बताइए क्या हुआ? आपकी बेटी का नाम क्या है? ओके ओके आई विल गो एंड मीट हर, डोंट वरी। तो ये मानव तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? हाँ, कि मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं तो उससे प्यार करती थी। राइट। तो क्या लगता है तुम्हें किसने मारा होगा मानव को? विक्रम। विक्रम। योराना कहते हैं कि प्यार के लिए इंसान जान दे देता है या जान ले लेता है। इस कटघरे में खड़ी वर्षा दीक्षित ने 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर अपने बॉयफ्रेंड मानव कालरा की पार्टी में अपने हाथों से उसके लिए एक ड्रिंक बनाया, जिसे पीने के बाद उसकी मौत हो गई। कैसे? आइए पूछते हैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी से। योर ऑनर, मिस्टर मानव कालरा की मौत पॉइजनिंग से हुई है। उनकी ड्रिंक फ्रेश लाइम सोडा में 5 मिलीग्राम पोटेशियम साइनेट मिला के। डॉक्टर रस्तोगी, क्या ड्रिंक का यही ग्लास था? जी हाँ। और वर्षा के पर्स से मिली ये शीशी? इसमें भी वही पोटेशियम साइनेट है जो ड्रिंक में डाला गया था। और इस क्लब के सोडा और फ्रेश लाइम एक्सट्रैक्ट की आपने जांच की? जी, लेकिन उन सब में कहीं जहर का ट्रेस नहीं था। जहर डेफिनेटली अलग से डाला गया था, इसी शीशी से जो मिस वर्षा से मिली। वर्षा के खिलाफ इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है मिलोर्ड? साफ जाहिर है, जहर वर्षा ने ही मिलाया। Your Honor, ये फ्रेश लाइम सोडा, वही ड्रिंक जो मानव ने उस रात पी थी। पोटेशियम साइनाइड। डॉक्टर रस्तोगी, 5 mg। थैंक यू। ऑर्डर। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। सोडा और साइनाइड का रिएक्शन ऐसा ही होता है, ड्यू टू एफर्वेसेंस। कमाल की बात तो यह है डॉक्टर कि अदालत में मौजूद हर किसी ने इस ग्लास पर और इस रिएक्शन पर रिएक्ट किया, लेकिन वहां क्लब में ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी। अगर हुई होती तो यहां उपस्थित मानव के दोस्तों को याद होता, राइट? केडी, लॉ से पहले मैं साइंस में ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और मैं इतना जानती हूँ कि ये बबलिंग इफेक्ट साइनाइड और सोडा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से होता है। मैं? लेकिन अगर सोडा फ्लैट हो, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, तो उस पर साइनाइड का असर ऐसे ही होता है जैसे पानी में मिली शक्कर, ना कोई झाग ना कोई आवाज। Silence in the court, please. Your Honor, सोडा की बात क्लियर हो या नहीं, लेकिन इस ग्लास में एक चीज बहुत ही क्लियर है। डॉक्टर रस्तोगी, इस ग्लास की जांच करते वक्त इसके ऊपर लगे लिपस्टिक मार्क्स को तो जरूर देखा होगा आपने। जी हाँ। मानव लिपस्टिक लगाता नहीं था, जाहिर सी बात है कि ये किसी औरत के लिपस्टिक के मार्क्स है, राइट? फोरेंसिक्स ने लिपस्टिक के मार्क को भी एनालाइज किया है, राइट? तो क्या पाया उस एनालिसिस से आपने? ये निशान मिस रिया के हैं। Quiet in the court, please. तो क्या ये कहना ठीक होगा डॉक्टर रस्तोगी कि रिया ने भी इसी ग्लास से उसी जहर भरे ड्रिंक का सिप लिया हो? ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर उसने उस जहरीली ड्रिंक से एक घूंट भी पी ली होती तो आज वो यहाँ जिंदा नहीं बैठी होती। योर ऑनर,
इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं कटघरे में मिस रिया सिंह को बुलाना चाहता हूँ। रिया जी, आपको क्या सुनने की बीमारी है? ऊंचा सुनती हैं आप? ये हेडफोन्स। थैंक यू। तो मानव के ड्रिंक के ग्लास पर आपके होंठों के निशान, क्या कहानी है बताइए सर। इट्स क्वाइट सिंपल यार। डांस फ्लोर पे मानव ने वर्षा को जेलस फील कराने के लिए मुझे अपने हाथों से अपनी ड्रिंक की सिप ऑफर की। और आपने सिप ली? मैंने सिर्फ अपने होंठ ग्लास से लगाए थे, सिप नहीं ली थी। ओके, क्यों क्यों मैं समझा नहीं। आपके आपके दोस्त ने आपको एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ऑफर की और आपने सिर्फ उसे पीने की एक्टिंग की, सिप नहीं ली। हाँ, शायद आप पहले से जानती थी कि उसमें जहर है। मैंने ओह या नाउ आई रिमेम्बर, सॉरी, मैंने उसमें सिर्फ एक सिप ली थी। राइट, आपने उस जहर भरे ड्रिंक में से एक सिप लिया। तो रिया, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम जिंदा कैसे हो? लक लक, अब इसमें मेरा फॉल्ट है कि मैं जिंदा हूँ? साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। रिया, ये मानव का सेलफोन है। मरने से पहले जो उसे लास्ट कॉल आया था वो उसके पिता का था, लंदन से। या उसने हम सबको यही बोला था। पर ये कॉल तो तुम्हारा था। तुम तो वहां उसके बगल में बैठी थी, तो तुमने मानव को फोन क्यों किया और मानव ने सबसे झूठ क्यों बोला? ओके फाइन, चिल, आई लाइड। उसे मैंने ही फोन किया। नेक्स्ट वीक वर्षा का बर्थडे है और हम दोनों ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान आउट की। सो दैट वाज सीक्रेट टॉक। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। रिया, हमारे पास उस फोन कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग है। डू यू वांट मी टू प्ले इट? बहुत क्लियर आवाज है। डोंट प्ले। ऑलराइट, मैंने मानव को इसलिए फोन किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो वर्षा को छोड़कर मेरे साथ स्टडी हो जाए। आई हेट यू रिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर तुमने मुझे ही धोखा दिया। या आई लव्ड हिम, ही लव्ड मी बैक, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? हैंग मी फॉर इट ना। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। थैंक यू फॉर द कन्फेशन मिस रिया। वैसे मेरे पास उस फोन कॉन्वर्सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं। सबूत हासिल करने के ये टेढ़े मेढ़े पैंतरे मैंने केडी से ही सीखे हैं। सो मिस्टर केडी, मानव वर्षा को धोखा दे रहा था, दगाबाजी। क्या ये कत्ल की वजह नहीं? बिल्कुल नहीं मिस माया फटनेस। क्योंकि वर्षा को रिया और मानव के अफेयर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। Isn't that right, रिया? Point to be noted, my lord. वर्षा रिया और मानव के बारे में कुछ नहीं जानती थी। राइट वर्षा? Your Honor, माना कि ये वायल वर्षा के बैग से बरामद हुई, लेकिन इस पर किसी और के उंगलियों के निशान हैं। इनके दोस्त मिस्टर विक्रम देसाई के। मैं विक्रम को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? हाय विक्रम, तुमने मैजिक शो देखा है कभी? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो जहर की शीशी है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। ये कैसा जादू है? नहीं नहीं सर, ये निशान मेरे नहीं है। ये आपके निशान नहीं है? तो फोरेंसिक्स के चीफ डॉक्टर रस्तोगी से गलती हुई होगी, क्योंकि उनका कहना है कि ये निशान आप ही के है। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट कहती है, शायद गलत होगी। आई एम सॉरी सर, ये निशान मेरे ही है। बताइए कि निशान कैसे आए महल पे? एक्चुअली सर, उस रात पार्टी में
मैंने ही उस शीशी को जमीन पर पड़े देखा था। मुझे तो लगा कि वो अंजू की होम्योपैथी की दवाई की शीशी है, इसलिए मैंने उसे उठाकर अंजू के बैग में रख दिया था बस। योर ऑनर, एक और जादू। अंजू के बैग में रखी हुई शीशी उड़कर वर्षा के बैग में चली गई। ये जादू कैसे हुआ मिस्टर देसाई? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी हरकत के मुताबिक अगर ये साइनाइड की शीशी वर्षा के बैग के बदले अंजू के बैग से बरामद होती तो क्या होता? वर्षा के बदले अंजू प्रॉब्लम में आ जाती। और तुम यही चाहते थे विक्रम, तुमने वर्षा को बचाने की कोशिश की क्योंकि तुम वर्षा से प्यार करते थे, राइट? बोलो विक्रम। यस, आई लव वर्षा, आई लव हर। Silence in the court, please. Wow. तुम वर्षा को चाहते थे और वर्षा मानव को। तो विक्रम, मानव के बारे में तुमने कभी वर्षा से बात की, कुछ कहा? मैं उसे यही कहता था कि मानव उसके लिए ठीक नहीं है, वो उसे एक ना एक दिन जरूर धोखा देगा। और वर्षा ने तुम्हारी बात मानी? नहीं, क्योंकि वो उसके प्यार में अंधी थी। She was crazy for him. Point to be noted, my lord. वर्षा मानव के प्यार में अंधी थी और इतिहास हमें बताता है कि जब कोई किसी के प्यार में अंधा होता है तो जान देता है, लेता नहीं। विक्रम, तुम उस रात वर्षा के साथ पब आए थे, उसका मूड कैसा था? वो पहले से थोड़ी टेंस थी। मानव के लिए ड्रिंक बनाने का ऑफर किसने दिया? वर्षा ने। तुमने उसे ड्रिंक बनाते हुए देखा था? जी। क्या मानव ने उस ग्लास से एक सिप वर्षा को ऑफर किया था और उसने रिफ्यूज कर दिया था? जी नहीं। झूठ। लेकिन मैं समझ सकती हूं क्यों। योर विटनेस केडी। थैंक यू मिस्टर देसाई। योर ऑनर, अंजू थापर, जिसके बैग में विक्रम ने वो जहर भरी शीशी रखी, मैं अंजू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। योर ऑनर। देखो अंजू, विक्रम का ये कहना है कि उसने वो जहर की शीशी तुम्हारे बैग में रखी थी, लेकिन वो जहर की शीशी वर्षा के बैग से बरामद हुई। तो विक्रम का इनडायरेक्टली ये कहना है कि वो जहर की शीशी तुमने वर्षा के बैग में रखी वर्षा को फंसाने के लिए, इज दैट करेक्ट? विक्रम झूठ बोल रहे हो। विक्रम झूठ बोल रहा है। Are you sure अंजू के विक्रम झूठ बोल रहा है? हाँ, विक्रम झूठ बोल रहा है। वो बॉटल मेरे बैग में थी ही नहीं, और उसपे तो मेरे फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हैं। Are you right? Technically, you're right. उस शीशी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं है। अंजू चलो छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी की बात करते हैं। MH06AL1963। पुलिस ने जब तुम्हारे गाड़ी की सर्च की तो तुम्हारे डैशबोर्ड से ये प्यारा सा नन्हा सा गिफ्ट पाया गया, जिस पर लिखा है फ्रॉम अंजू टू माई डियर वैलेंटाइन विद लव। हाउ स्वीट। तो ये कौन है तुम्हारा वैलेंटाइन? Never mind, forget it. जरा इस गिफ्ट को खोलने का कष्ट करेंगे। Wow. Your Honor, bracelet, Your Honor, और bracelet पर लिखा है मानव का नाम। मैं मानव को लाइक करती थी, पर वो मुझे कभी सीरियसली नहीं लेता था। मैं इन दोनों की तरह प्रेटी नहीं, इसलिए। तो इसीलिए अपने ठुकराए हुए प्यार का बदला लेने के लिए तुमने मानव की हत्या की, और वर्षा को फंसाने के लिए
वो जहर की शीशी वर्षा के बैग में डाली। हाँ, मैंने ही वो बोतल वर्षा के बैग में रखी। क्योंकि मैंने विक्रम को उसे मेरे बैग में रखते हुए देख लिया था। मुझे लगा कि विक्रम मुझे फंसा रहा है, इसलिए मैंने छुपके से वो बोतल को लेकर वर्षा के बैग में रख दी। लेकिन मैंने मानव को नहीं मारा। Why would I kill him? I loved him, sir. अंजु, तुम भी? Well done, केडी। तुमने तो मेरा केस और भी आसान कर दिया। मैंने तो मानव को दो लड़कियों से जोड़ा था, तुमने उसे तीन लड़कियों से जोड़ दिया। और कोई भी गर्लफ्रेंड ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके बॉयफ्रेंड का लिंक अप दो दो लड़कियों से हो। Your Honor, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, वर्षा को इन अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। इसे जो भी पता चल रहा है यहाँ अभी अदालत में पता चल रहा है। There is no motive for murder. I think हम दोनों से बेहतर ये हमें मानव का दोस्त मुकुल बताएगा। देखिए, आपको मुझसे जो भी पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, वरना मेरा 6 बजे का ट्यूशन क्लास है वो मिस हो जाएगा। और सर, मैं पहले इको में बहुत वीक हूँ, अगर फिर से फेल हो गया तो। मिस्टर श्रीवास्तव, आप एक मर्डर केस के विटनेस हैं, इस मामले को लाइटली मत लीजिए, प्लीज कोऑपरेट विद द कोर्ट। ओके सर, ठीक है, मैं अपना इंजेक्शन ले लूँ सर? वो क्या है, मुझे डायबिटीज है और मैं। ओके सर, केस के बाद। वैलेंटाइंस डे यानी कि मर्डर की सुबह आपने वर्षा को कुछ ईमेल्स भेजे थे? जी, ओसी के नोट्स। वो क्या है कि नेक्स्ट टर्म के एग्जाम्स आ रहे थे। फोटोज के साथ पर्सनल मेल्स? जी शायद हाँ, भेजे थे। वो क्या फोटोग्राफ्स थी? शायद आपका ये लैपटॉप आपकी मदद कर दे, जहां से अपलोड करके आपने ये फोटोग्राफ्स भेजे थे। जी जी जी, मानव मेरे भाई जैसा था, लेकिन वो गलत कर रहा था, वर्षा को चीट करके रिया के साथ। आई डिडंट लाइक दैट, तो मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। वर्षा को मानव का सही चेहरा दिखाना चाहा। तो सर, इसमें रॉन्ग क्या है? मैं तो बस वर्षा की हेल्प कर रहा था एज अ फ्रेंड। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट सर? नथिंग रॉन्ग मुकुल, लेकिन जो वर्षा ने किया दैट इज रॉन्ग। हमें ये कहकर कि मानव और रिया के बारे में उसे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। उसने वो फोटोग्राफ सुबह देखे, उसका दिल टूट गया। शाम तक उसने मानव को मारने का प्लान बनाया। इसी टेंशन में वो वैलेंटाइंस डे पार्टी पर आई, ड्रिंक में साइनाइड मिलाकर मानव की जान लेकर उस धोखे का बदला लिया। योर ऑनर, वर्षा ने ये ईमेल पढ़ी और वो फोटोज देखे, इसका क्या सबूत है? मुकुल, की ईमेल में वर्षा का एक्नॉलेजमेंट कि उसने वो ईमेल रिसीव किया और पढ़ा। बोलो वर्षा, क्या ये सच है? बोलो वर्षा, बोलो वर्षा, बोलो वरना सच है। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज, साइलेंस। चंगी, मैं पहले से ये जानती थी कि मानव मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। मुझे पता था कि उस रात वो मेरे साथ ब्रेकअप करने वाला है। मैं पहले से ही जानती थी सब कुछ। Your Honor, मेथड तो प्रूफ हो ही चुका था, अब मोटिव भी प्रूफ हो चुका है। मानव का बेरहम प्लान मर्डर वर्षा ने किया और उसकी सजा कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए। Your Honor, मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा के जज्बे की कद्र करते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये केस इतना सिंपल नहीं है। एक जहरीला ड्रिंक जिसे दो लोगों ने पिया, मानव और रिया। मानव की मौत हो गई लेकिन रिया अब भी जिंदा है, ये कैसे मुमकिन है? How is it possible? और जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता इस केस में, किसी तरह का भी फैसला सुनाना नाइंसाफी होगी। सॉरी,
मैंने आपको कुछ बताया नहीं। मैंने नहीं बताया कि मैं मानव की असलियत जानती थी, क्योंकि क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझ पर शक करेंगे। शक झूठ पे किया जाता है वर्षा, सच पे नहीं, चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो। जो सच मेरे सामने सवाल बनकर खड़ा हुआ वो ये है कि उसी ग्लास के उसी ड्रिंक ने मानव की जान ली, लेकिन रिया की नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? सर ये भी तो हो सकता है ना, शायद रिया झूठ बोल रही हो। अभी शायद उसने वो ड्रिंक पिया ही नहीं हो, सिर्फ ग्लास पे होठ लगाया हो, या फिर जहर उसी ने डाला हो। कल तुम्हारे चारों दोस्तों को मेरी तरफ से दावत, उसी क्लब में दोहराएंगे मौत का मंजर। हथकड़ी तो खोल दो। केड़ी हथकड़ी नहीं खोल सकता, तुम्हारे कहने पर स्पेशल परमिशन लेकर इसे लेकर आया हूं। अगर ये भागी तो? नहीं भागेगी, मैं गारंटी लेता हूं इसकी। थैंक यू। अब सुनो, उस रात जो भी हुआ था आज यहां अभी हम दोहराएंगे। सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे और मैं मानव बनूंगा। कहां बैठे थे तुम लोग? मानव कहां बैठा? या? या। फिर क्या हुआ? फिर मैं और फिर मानव का फोन बजा रिया को, और मानव फोन लेने वहां चला गया। और इस दौरान वर्षा वहां मानव का ड्रिंक बना रही थी, ये तुम सबने देखा राइट? जी राइट। सोडा में जहर नहीं, लाइम जूस में जहर नहीं, फॉरेंसिक्स के मुताबिक। किडी हो सकता है कि ग्लास एक्सटीरियर में जहर की कोटिंग हो। पॉसिबल दवे, लेकिन अगर ऐसा होता तो रिया जिंदा नहीं होती। मेरे ख्याल से जहर बाद में डाला गया है। तो अब तक ड्रिंक बन गया था बिना आइस के। राइट। तब तक मेरे 50 सेकंड का कॉल खत्म, और मैं और मानव ने तुमसे ड्रिंक लेने के बाद तुम्हें ऑफर किया, लेकिन वर्षा ने ना कहा राइट? तो विक्रम तुमने अदालत में झूठ क्यों कहा? अपनी डियरेस्ट वर्षा को बचाने के लिए। थैंक्स रे। उसके बाद तुम टेबल पर चली गई थी, जाओ। फिर मानव ने एक्सेप्ट लिया और तुम सबके पास आ गया। फिर क्या हुआ? फिर सर हम सबका फेवरेट सॉन्ग बजा, तो रिया और अंजू विक्रम को लेकर डांस फ्लोर पर चले गए। और फिर मानव उठा और डांस फ्लोर पर चला गया। मानव अपना ग्लास लेकर यहां आ गया डांस फ्लोर पर राइट? जी। और ग्लास सारा समय उसके हाथ में ही था। जी सर, ऑल द टाइम मैंने क्लियरली देखा था। फिर उसके बाद मैंने भी उनको यहाँ आकर ज्वाइन कर लिया। हाँ सर, हम चारों यहीं थे डांस फ्लोर पे। उसके हाथ में ग्लास ऑल द टाइम था। फिर उसने वर्षा को जलाने के लिए रिया को सिर्फ ऑफर किया। रिया, जब तुमने सिप पिया तो कैसा लगा तुम्हें? टेस्ट, टेम्परेचर? नो, इट वाज नॉर्मल, रूम टेम्परेचर। अब जरा गौर से सोचो, उसके बाद क्या मानव ने ये ग्लास किसी को पकड़ाया, या उसका कोई दोस्त उससे मिलने आया, या उसने ग्लास कहीं रखा?
सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर सर वो गिर गया। He was dead. And the rest is history. विक्रम, तुम्हें वो जहर की शीशी कहां मिली थी? सर वहां पे। फिर मैंने उसे उठाकर अंजू के बैग में रख दिया। और मैंने ये देखकर उसे वर्षा के बैग में डाल दिया। राइट, और इसके सिवा और कुछ नहीं हुआ? नो सर। अजीब पहेली है, जब सारा समय मानव ने अपना ग्लास किसी के हाथ में दिया नहीं, कहीं रखा नहीं, वो जहर उसके ड्रिंक में मिला कैसे? What a mystery. Your Honor, केडी इस ग्लास की मिस्ट्री को तो नहीं सुलझा पाए, लेकिन इस केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मेरे पास नया सबूत है। ये फोटोग्राफ जो मुकुल ने उस रात अपने फोन के कैमरा से ली। Your Honor, इन सारे फोटोग्राफ्स में वर्षा के चेहरे पर टेंशन देखिए, खासतौर से उस फोटोग्राफ में जो मानव की मौत से एक मिनट पहले ली गई, जहां सब डांस फ्लोर पर हैं और वर्षा सबसे दूर अलग बैठी है, चेहरे पर गुस्सा, और नजर डालिए उसके दाहिने हाथ पर जहां उसने कुछ पकड़ा हुआ है। जो भी है साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो मेरी लिपस्टिक थी। लिपस्टिक नहीं, वो जहर की शीशी थी जो तुमने घबरा कर गिरा दी और विक्रम को मिली। Your Honor, प्रोसिक्यूटर साहिबा ये क्या बचपना कर रही है? इन्हें ये खबर होनी चाहिए कि अगर वर्षा ने जहर की वो शीशी अपने हाथों में ली होती तो विक्रम के साथ साथ इनकी उंगलियों के निशान भी उस शीशी पर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपने वर्षा का चेहरा देखकर ही उसका मन पढ़ लिया, कहीं आपने माइंड रीडिंग में भी टॉप तो नहीं किया? व्हाट्स इट केडी? योर ऑनर, मैं शुरुआत से पूछता आ रहा कि एक ही ग्लास, एक ही जहरीला ड्रिंक दो लोगों ने पिया, एक की मौत हुई दूसरे की नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं बताता हूं योर ऑनर कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। आपके हाथों में जो मुकुल के कैमरा से ली गई आखिरी तस्वीर है, उसे जरा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। योर ऑनर, तस्वीर तो वर्षा की है, लेकिन उसके बगल में लगे हुए मिरर पर मानव का रिफ्लेक्शन है। उसके हाथ में वो ग्लास, उस ग्लास को गौर से देखिए योर ऑनर, उस ग्लास के इर्द गिर्द फ्रॉस्ट जमी है, जो तभी जमती है योर ऑनर जब ग्लास में बर्फ हो। लेकिन सबकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक ग्लास में बर्फ नहीं थी। बर्फ थी योर ऑनर, और मानव का खून उसी बर्फ ने किया है। जहर ड्रिंक में नहीं, बर्फ में मिलाया गया, जिसने पिघल कर उस ड्रिंक को जहरीला बना दिया। नॉनसेंस, इसका सबूत क्या है केडी? सबूत यह है कि उस ड्रिंक में बर्फ ना वर्षा ने डाली, ना ही मानव ने, किसी और ने उस ड्रिंक में बर्फ डाली। उसके बाद मानव वही ग्लास लेकर डांस फ्लोर पर चला गया, उसने रिया को सिप ऑफर की, रिया ने सिप ली, लेकिन खुशकिस्मती रिया की बर्फ तभी तक पिघला नहीं था, जिसके कारण बर्फ के अंदर जो जहर था वो ड्रिंक में मिली नहीं थी। योर ऑनर, उसके कुछ देर बाद बर्फ पिघली, ड्रिंक में जहर मिली, और मानव उसे पीते ही जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन ये बर्फ का टुकड़ा उस ग्लास में डाला किसने? बताता हूं योर ऑनर, उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। एक नॉर्मल साइज के आइस क्यूब को पिघलने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि डिस्को में
ज्यादा लोगों के होने के कारण, उस गर्मी के कारण वाइस क्यूब 4-5 मिनट में ही पिघल गया। तो फिर मानव अपनी मौत के 5 मिनट पहले कहां था? अपनी मौत के पहले मानव सोफा पे बैठा था वर्षा और मुकुल के साथ, बाकी सब डांस फ्लोर पर थे। तो वो साइनाइड भरा बर्फ का टुकड़ा वर्षा ने ही डाला होगा। चलिए मान लेते हैं कि वर्षा ने उस ड्रिंक में बर्फ डाला। सवाल ये उठता है प्रोसिक्यूटर साहिबा कि वो डिस्कोथेक में आइस क्यूब्स लाई कहां से? क्या इन्होंने अपने घर पर साइनाइड वाले बर्फ जमाए और उन्हें बिना घुले अपने हैंड बैग में लेकर आई? किसी थर्मस में? राइट, थर्मस में योर ऑनर। और इनके ग्रुप में थर्मस सिर्फ एक ही शख्स कैरी करता है। मुकुल, ऑर्डर ऑर्डर। हाय मुकुल, तुमने अदालत को बताया कि तुम डायबिटिक हो, सीरियस डायबिटिक, और इंसुलिन के बहुत हैवी डोजेस लेते हो, वो भी एवरी टाइम ऑन टाइम। जी, तो ये इंसुलिन तो तुम्हें, तुम जहाँ भी जाते हो तुम्हें कैरी करना पड़ता होगा। एंड योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि इंसुलिन को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये ठंडा इंसुलिन ये कैरी करना, ये कैसे कैसे करते हो तुम, किस चीज़ में कैरी करते हो? जी जी, थर्मस में। ये थॉमस में इंसुलिन कैरी करते हैं, तो ऑब्वियसली उस दिन डिस्को में भी तुम अपना थॉमस लेकर गए थे, राइट? जी जी, तो ऑब्वियसली तुम उस थॉमस में जहर भरे आइस क्यूब भी उस दिन लेकर गए थे जो तुमने मानव के ड्रिंक में डाले और मानव की हत्या की। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। एनीवे, लेट इट पास। तो ये क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मानव के साथ? सर, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था तो तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक्सपोज क्यों किया, वर्षा को, मानव और रिया के साथ में तस्वीर भेजकर? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं सिर्फ वर्षा की हेल्प कर रहा था। हेल्प कर रहे थे तुम वर्षा की, वर्षा को फंसा कर? नहीं सर, मैंने उसे नहीं फंसाया सर। तुम हेल्प नहीं कर रहे थे, तुम ही ने वर्षा को फंसाया है। जब तुम्हारा दोस्त जिंदा था तब तुमने उसके साथ ज्यादती की, और उसके मरने के बाद आज भी अदालत में तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। अरे वो जो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था, वो उसका क्या? ऑर्डर ऑर्डर। अरे बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा, अब जानते हैं बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? क्या प्रश्न सर आपको, मैंने दिल खोल के रख दिया था उसके सामने, ये रिया को लेकर। सिर्फ मानव जानता था कि मैं रिया को सीक्रेटली लव करता हूँ, लव। वो साला मुझे ही बैकस्टैप करके खुद रिया के साथ, इसलिए मैंने बदला लिया, वर्षा को फोटोज दिखाकर उसे बकरा बनाया, और फिर वो जहर वाला आइस क्यूब जो मेरे थम्स में था, मेरे थम्स में। जब वर्षा और मानव की नजर डांस फ्लोर पर थी, तब मैंने अपने ग्लास में बर्फ डालने के बहाने उसके ग्लास में बर्फ डाला, और किसी को पता नहीं चला। ऑर्डर ऑर्डर। और मानव की हत्या करने के बाद वो साइनाइड जो अलग से तुम शीशी में लेकर आए थे वर्षा को फंसाने के लिए, तुमने उसे वर्षा के बैग में रखना चाहा, लेकिन ऐन मौके पर विक्रम वहां आ गया और वो शीशी तुमने जमीन पर फेंक दी। Is that right? Yes, exactly. क्या ही किया था मैंने? और किस्मत देखो, वो जहर की शीशी वर्षा की बैग में जा पहुंची। हाँ, और अब तुम जेल पहुंचने वाले हो लंबे समय के लिए। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। यह अदालत मुकुल श्रीवास्तव को मानव कालरा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और मुलजिम वर्षा दीक्षित को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। थैंक्स अ लॉट सर। सर, वर्षा को बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। रियली थैंक्स अ लॉट।
You're welcome. It's my pleasure, actually. मैं समझता हूँ कि इस उम्र में सही गलत की पहचान बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद कम से कम सही दोस्त कौन है और कौन नहीं ये पहचान तो आएगी। God bless you. और हाँ, इसे मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट समझना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.